परिवार चैनल है, मसीही परिवार चैनल। चर्च में जाकर भैया मूवी बनाते हैं चर्च की, और वो चैनल पे के चलती रहती हैं। तो आज हमारे बीच में आए हैं, इस चर्च में जो आज प्रेयर चलेगी उसकी मूवी बनाएंगे। और मेरे थोड़ा सा निवेदन है, जो पीछे पीछे बैठे थोड़ा आगे आगे आ जाए प्रेयर के दुआ के साथ। आइए हम अपने शरण को खुदावन के सुनिश्चित साथ करें और कोशिश करें कि हम पूरे प्राण के साथ उसकी मदद करें। खुदावन आसमानी का हम शुक्रगुजार है हर तरह की नियमत और बरकत के लिए। बाप आसमानी हम तेरे शुक्रगुजार है तुम सब बरकतों के लिए जो तू हमें बगैर मांगे हमारे जरूरतों को पूरे करके हमें पानी का। ये मेरा एक बहुत बड़ा फर्ज अपने लोगों के साथ है जो तुमने चुना है। और अरे बाप आसमानी हम तेरा शुक्र करते हैं कि उन्होंने वो मुझसे एक हम भी हैं। बाप आसमानी हम तेरा शुक्र करते हैं पिछले हफ्ते की सारी बरकतों के सारी उम्मीदों के तुमने हमें बख्शी। और अरे बाप आसमानी आज ये दिन जो तेरा मुबारक दिन है तेरा सबक का दिन है खुदावर कि हम अपने दिलों को भरे और ईमान के साथ तेरे उन सब फायदों को याद करें खुदावर जो तू हमें हमेशा से देता चला आया है। और हम उनको अगर पूरी तरीके से इस्तेमाल करें उनको फॉलो करें खुदावर शुक्रगुजार है इस घर का जो हमारे इस घर में खुदावर से ही इबादत हाजिर हुए हैं। खुदा हुए इन सबको बर करके हमें तौफीक दे कि हम तेरे हर तरह से तेरे कलाम को पढ़ने के लिए सुनने के लिए और उसको अमल करने के लिए करें। खुदावर जो इस वक्त रास्ते में है तेरे मुकाम तक आने के लिए उन सबको तू जल्द ही करा। वापस पानी हम तेरा शुक्र करते हैं हर एक परिवार के लिए जो इस वक्त यहाँ हाजिर हुआ है। खुदावर पानी बाबू के लिए बरकत है जब हम लोग सोचते हैं कि आज तेरा मुकदर दिन है। अनाए वापस पानी हमें वो सारी बरकतें भी बख्शा। खुदावर हम उन लोगों को प्यार करते हैं जो इस वक्त बीमार है जगह जगह पाए जाते हैं। खुदावर हम सबको सिपाही नाश कर वापस पानी जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत के दौरे हैं सब जगह के लिए बरकत हो। अनाए वापस पानी जहाँ हो चुकी है जहाँ हो रही है जहाँ होने वाली खुदावर सारे को वापस पानी हम अपने लाइसेंस के लिए दुआ करते हैं जहाँ से सारा इंतजाम होता है। वापस पानी ताकि वो जो कुछ खुदावर बनाए करते हैं वो खुदावानी हर तरह से बदाम है। वापस पानी जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है वहाँ तेरा बहुत बड़ा फजर हो। और अरे वापस पानी तुझको मानने वाले खुदावर बढ़ते चले जाए। अरे वापस पानी हम फिर से तेरे को तेरे का शुक्र अदा करते हैं और इबादत के बाकी हिस्से को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदावर जब तेरा कलाम भरा जाए खुदावर कलाम के साथ हर एक अपने विचार प्रकट करें। खुदावर आसमान का हमें तौफीक दिलाए था कि हम उसको तरीके से सुने और आएगा उसके ऊपर अमल करने के लिए। खुदा हमें ताकत और तौफीक वापस पाई हमने से हर एक के साथ हो और हर एक को बड़ी बरकतों से बार बार कर जो दुआ को सुनी
और अपने प्यारे के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कर गीत बोलेंगे, पुराने वाली बुक में है गीत नंबर 131, 131 नंबर। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा,
और उसने मेरी और युग का मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश की करेंगी और अर्जन की चीज़ दुखाया और मुझे उसने नाम पर आटा करते मेरे और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ये नहीं है हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। ये जो हुआ तू किसे जानता है। हे यहोवा, तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा दे। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है वे सब सत्य हो और उनकी अनुकार में हो और उसे जो मुझसे आहा आहा कहते हैं वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैंने दीन और दरिद्र हूँ और ये प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और जाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर नरम आकर। आमीन। अय्यूब की पुस्तक पुराने नियम में 42 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला पार्ट अय्यूब उसका 42:1-6। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। परंतु मैंने तो जो नहीं समझाता समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और रात में पश्चाताप करता हूँ। ये प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे पढ़ो, सुनने जाने पर परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। पढ़ा जाएगा नए नए में से, भाइयों में से कोई आकर पढ़ेगा। पहला पत्रस 1:3-9।
तीन से नौ तक। पहला पत्रस पहला अध्याय तीन से नौ यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान होने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। क्या परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़िए और उसमें जन पर आशीष हो। आमीन। अब यूथ वाले गीत बोलेंगे, यूथ की तरफ से। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, बोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। Oh, my God.
Thank you.
बच्चों में से यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय 24 से लेकर 29 तक हम सब खड़े होंगे। यूहन्ना 20 24 से लेकर 29 तक में से एक व्यक्ति था थोमा जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब वो चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख दूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजे में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर उसके भीतर थे और थोमा उनमें से था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल और आप विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। पाप कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा बाप आशीष दे। आप सब बैठ जाएं। प्रभु वचन की पुस्तकों में से हम निकालेंगे पेज नंबर 9 सेक्शन नंबर 16 सिफारशी दुआ में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, उन सब के लिए जो खेती बाड़ी उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुसाज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं, विशेष तौर पर अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय, जो कि बीमारी की अवस्था में हैं, अस्पतालों में हैं या घरों में, किसी भी बीमारी के कारण वो पाए जाते हैं, उनके लिए तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावंद, इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप राइट रेवरेंड यूनुस मसी और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद, ये वक्त कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अपनी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद, एक साथ बोलेंगे, ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मसीह यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं, आमीन। मैं जाने से पहले
हमारे बीच में अंकल जी बरकत मसीह जी हैं, दुआ करेंगे। जितने बीमार हैं हॉस्पिटलों में, जितने बच्चे विदेशों में रह रहे हैं पढ़ रहे हैं, उनके लिए अपनी कलीसिया में जो बीमार हैं उनके लिए